नमस्कार, स्वागत है आप सबका बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और यह कार्यक्रम खास इसलिए है क्योंकि हम आपकी मुलाकात एक खास शख्सियत से करवा रहे हैं, जो हैं तो पाकिस्तान से लेकिन उनको जाना जाता है, उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो मास्टर हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के। बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया है, कई फिल्मों में आपने उनका संगीत सुना है, जिसमें कुछ के अगर हम नाम लें तो कॉकटेल है, भाग मिल्खा भाग है, रश है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा है, तो वो नगमे भी हम आपको सुनवाएंगे, साथ ही उनसे मुलाकात करेंगे भारत और पाकिस्तान के पर भी। तो मिलवाते हैं, आपका तारुफ करवाते हैं, जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जावेद बशीर साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हिंदुस्तान में आके कैसा लग रहा है, क्योंकि आजकल तलखियां थोड़ा बड़ी हुई हैं और खासतौर से संगीत को लेकर ही, जी, लेकिन जी, आप जी। हैं हिंदुस्तान में। बिल्कुल, देखिए जी, मैं तो 10 साल से आ रहा हूँ, आज नहीं आया। हर दफा आके बहुत अच्छा लगता है, अपने जिस तरह घर, मतलब ये दूसरा घर मैं इसको मानता हूँ, अपना इंडिया को। मुझे बहुत प्यार मिलता है यहाँ और इतने अच्छे लोग हैं, सुनकार बहुत अच्छे हैं। तो अगर मुझे पाकिस्तान के बाद मतलब इंजॉय करता हूँ मैं म्यूज़िक का, तो वो हिंदुस्तान है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहा कि 10 साल से आ रहे हैं, शुरुआत में कब आए थे आप? अपने शोज़ के सिलसिले में आए या बॉलीवुड फिल्मों में संगीत के लिए स्टार्ट आपको में मैं अप्रोच कवाली किया कर गया? हाँ जी, स्टार्ट में मैं कवाली करता था। उस वक्त अजीत अखबार के जो है बलजिंदर सिंह हमदर्द, हंसराज हंस और सतनाम सिंह माणिक जी, इन्होंने मेरे बहुत शोज़ अरेंज किए। आई थिंक आपके पेरेंट्स पंजाब से ही हैं, मतलब आपका जन्म चाहे वहाँ हुआ लेकिन आपके बिल्कुल, पेरेंट्स यहीं से हैं, मेरे जलंधर माँ बाप से। जलंधर से हैं, थोड़ी दूरी है नाला गांव। मेरे नाना और दादा गज्जू खां फज्जू खां जलंधर से बिलोंग करते हैं और मेरे माँ बाप भी इधर से हैं। तो मैं तो समझता हूँ, ये इतनी बड़ी बात कहता हूँ जो कि है ही सच, कि जो मेरा माँ बाप का घर है वो पहला घर है जो इंडिया है। तो मैं उधर पैदा हो गया, मेरा पहला घर वो है। तो मेरे माँ बाप का पहला घर इंडिया है और मेरा पहला घर पाकिस्तान है, और अगर मेरा दूसरा घर देखा जाए तो वो इंडिया है। ऑडियंस का आपको रिस्पांस मिलता था वो तब से और अब में कितना बढ़ गया है, क्योंकि एक शोज करना और फिर बॉलीवुड म्यूजिक की क्योंकि एक अपनी रीच है। अपनी रीच है। देखिए जी, मैं शुरू में जब आता था तब भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, अब भी बहुत अच्छा मिलता है। बिकॉज उस वक्त मैं किसी और काइंड का म्यूज़िक कर रहा था, कवाली थी, बाबे बुल्ले शाह के कलाम थे, जो कि मैं हमेशा बुल्ले शाह जी को, शाह हुसैन जी को, इनका जो पैगाम है सूफ़ी, इनका जो अमन का पैगाम है, इनका जो मतलब इनकी जो तपस्या है, इंसान की वैल्यू क्या है, इंसान क्या है, तो उस हवाले से मैं उस वक्त वैसे शोज़ करता था। अब थोड़ा सा बॉलीवुड भी है तो वो अब दूसरे फैंस भी जाहिर है साथ मिल गए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल, थोड़ा गुनगुना के सुनाइए कुछ। 2001 में आपकी डेब्यू एल्बम एक आई थी, जो हमने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से उसमें आपका दीवाने नच दे, आपका दीवाने नच दे, हाँ, और नहीं तेरे जिया हो दिसदा, हाँ वो था अज मस्ती दे विच मस्ताने नच दे, अज मस्ती दे विच मस्ताने नच दे, वेखो मौला नी दे दीवाने नच दे, वेखो मौला नी दे दीवाने नच दे। दुनिया तो वखरा है नशा इस जाम दा, हैदरी मलंगा नू सहारा तेरे नाम दा, हर गम तो ए होके बेगाने नच दे, वेखो मौला नी दे दीवाने नच दे। सारी निता दे माँ पानी बा, सारी निता दे जाने बा, पानी निता दारी दे माँ माँ बा पानी नी बा, सारी नाने नी बरी बा मारे मरे सारे जा, वेखो मौला नी दे दीवाने नच दे। बहुत ही बढ़िया बशीर साहब, बहुत ही बढ़िया, और हम सुनते रहेंगे आपको आगे भी, और क्योंकि हमारा काम है आपसे सुनना और हमारे दर्शकों तक ये संगीत पहुंचाना। लेकिन क्लासिकल में आपको महारत है, जी, क्लासिकल और फिर बॉलीवुड संगीत थोड़ा सा शायद अलग होता है, क्या वो वाकई होता भी है, या क्योंकि हम लोगों को उतनी समझ नहीं होती है कि कहाँ ताल राग किस तरीके का जा रहा है, हमको तो जो कानों को अच्छा लगता है वो हमारे लिए अच्छा म्यूजिक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जो क्लासिकल होता है वो एक पूरी बंदिश होती है। क्लासिकल और
बॉलीवुड और फोक जो बहुत फर्क है, मान मिलता है एक जी 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 पाकिस्तानी कलाकार को, जी 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 वो एक किस तरह का हौसला देता है एक कलाकार के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप या तो गाते हैं ऑडियंस के लिए या फिर जो सम्मान मिलता है वो एक आपके ऊपर थोड़ा भार भी शायद डाल देता है कि क्योंकि उससे ज्यादा ऊपर जाके परफॉर्म करना होता है। वो एक रिजल्ट है जो आप करते हैं, उसका एक रिजल्ट है, कोई अच्छा गाना है या कोई अच्छा आपने काम किया उसका अवार्ड उसकी उसकी एक फतेह है। तो मैं नहीं समझता इंडिया पाकिस्तान कोई दो मुल्क हैं। हिंदुस्तान में आके मतलब इतना अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलता है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मोहब्बत का जो सिलसिला है, ये प्यार का सिलसिला है, ये चलता रहना चाहिए और चलता रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं इसको इस तरह लेता हूँ, सुर एक ही है चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो। तो इसी वजह से 60 साल से जितनी भी मतलब आ रही हैं चीज़ें, थोड़ी सी नहीं भी अच्छी थोड़ी सी अच्छी भी हैं, तो उसमें म्यूज़िक का आई थिंक रोल है। और म्यूज़िक की उसमें म्यूज़िक रोक ही नहीं सकता क्योंकि सुर तो बगैर किसी वीजे के बाउंड्री क्रॉस का संगीतकार को आप रोक लें, संगीत को कैसे रोक लें? नहीं, म्यूजिक को किसी वीजे की जरूरत नहीं है। बॉलीवुड में जब आप आए तो शुरुआती दौर में आपकी जो मुलाकात हुई वो जो ब्रेक थ्रू मिला आपको वो विशाल शेखर जी से मिला। विशाल शेखर से मिला, बिल्कुल सही कहा। पहला गाना मेरा कहानी मूवी में आया, पिया तो काहे रूठा रे, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली दफा मैं बॉलीवुड में गा रहा था। तो एक ऐसी कंपोजिशन मुझे मिली जो कि स्पेशली मैं क्रेडिट देता हूँ विशाल एंड शेखर को, इन्होंने इतनी अच्छी कंपोजिशन बनाई जिसमें सारी ताने ही थी। यानी एक मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो सारा ही गाना एक क्लासिकल जॉनर का गाना, थोड़ा गुनगुना दीजिए। हाँ, रे ला पिया तू काहे रूठा रे, निगोड़ा जग जोटा रे, पिया तू काहे रूठा रे, निगोड़ा जग जोटा रे, चली कोसो कोसो मैं अकेली, मोसे बूझ जाए ना पगेली, बिरहा बनी मोरी सगेली, पिया तू काहे रूठा रे, निगोड़ा जग जोटा रे। जो अलग अलग तरह के फिर गाने होते हैं उनको किस तरीके से आप चैलेंज के तौर पर लेते हैं या फिर ध्यान में रखा जाता है कि जावेद बशीर साहब हैं तो उनके लिए ऐसा कुछ किया जाए जिसमें कि उनकी महारत है और ज़्यादा चीज़ें निखर कर आएँ? हाँ, नहीं, असल में क्योंकि मैं क्लासिकल करता हूँ और गाता हूँ, मेरे उस्ताद मुबारक अली खान साहब हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब क्लासिकल गाने के बाद कोई भी आपको गाना मिलता है या वो आपके जॉनर का है या थोड़ा सा आप नहीं भी है, तो जब कोई बंदा आपको फ़ोन करता है, कोई भी दुनिया में जो आर्टिस्ट है वो बुरा नहीं हो सकता क्योंकि वो आर्टिस्ट है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है जो पाकिस्तान के कलाकार को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि वो हिंदुस्तान आता है और आना चाहता है? ये नेचुरली तौर पर है, अल्लाह की तरफ से है कि पाकिस्तानी जो सिंगर्स मेल सिंगर्स हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से हिंदुस्तान में बहुत सुने जाते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि क्यों सुने जाते हैं या इसमें कोई ऐसी, मैं जो आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, और जो जो हिंदुस्तानी फीमेल सिंगर्स हैं, जो यहाँ की फीमेल सिंगर्स हैं, वो वहाँ बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं, बहुत ज्यादा सुनी जाती है। बिल्कुल, जुबान एक है, जज्बात लगभग एक जैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम शेयर करते हैं, लेकिन बावजूद उसके कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर उसके ऊपर भी चर्चा हो जाती है और फिर वो एक तरह से नेगेटिविटी भी क्रिएट करता है। कुछ गाने हैं, कुछ गानों की लिस्ट है जो मैं आपसे सुनना चाहूंगी। केड़े वेले याद सजना दी आई, वेले दिन नमाज भूल गए, मुझे मैंने सुना, मुझे बहुत ही पसंद आया। थैंक यू सो मच। इसमें जो मैंने स्टार्ट का शेयर किया था, वो थोड़ा सा उसको रुबाई बोलते हैं, चार लाइनों को ना। हाँ, चार लाइनों का कुछ है। तो जो मैंने कही है वो बाबा फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद जी की है। अच्छा। नमाज पढ़ा कि मैं तैं वल देखा मंडा किबला काबा तू है। हाँ। ओ की जानन किबला काबा जड़े रुख दिल वरदे सू है, जड़े साजद हन तैं जड़े दर्दे सर मूल न करना तू है, हाजी पढ़न कुरान फरीदा मैं ते कर दी तू है तू है। खेड़े वेले याद सजना दी आई, हाँ केड़े वेले याद सजना दी आई,
ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਜਿੰਦ ਘਬਰਾਈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। देखिए अपने गाने तो हमेशा ही पसंद होते हैं बशीर साहब, और अपने गानों को ये भी कहा जाता है कि वो तो बच्चों की तरह होते हैं, उसमें से ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे ये वाला पसंद है और ये वाला कम पसंद है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम यू, आपको किसके गाने सुनना या गाना पसंद है? मैं शुरू से ही ऐसा चूजी इंसान हूँ, इसमें मुझे गलत भी कह लें, जो मेरी रूह को चाहे वो फोक हो रॉक हो, उसमें अगर अरेंजमेंट अच्छी है, मतलब सुर के साथ रिलेटेड है, सुर के सुर में, यहाँ ये कह रहा हूँ कि अगर उसका रचाव हो रहा है, अगर उसको सही तरीके से लगाया गया है, तो मैं हमेशा सुनता हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर क्लासिकल सुनता हूँ, उस्ताद सलामत अली साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब का मैं बहुत फ़ैन हूँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का मैं बहुत फ़ैन हूँ, अपना उस्ताद अमीर खान को मैं बहुत सुनता हूँ, उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अपने उस्ताद मुबारक अली खान साहब का, मैं अपने वालिद साहब बशीर अहमद खान साहब का बहुत फ़ैन हूँ। सीखा भी आपने? हाँ, ज़ाहिर है, उनसे मैंने सीखा। तो क्लासिकल म्यूजिक मैंने उस्ताद मुबारक अली खान साहब से सीखा, अपने ताया जी से। फतेह अली खान साहब के आप गाने हमने सुना, बहुत गाते हैं वो, उनको भी बहुत पसंद करते हैं। स्टार्ट में क्योंकि यहाँ हमने उनको सुना है, जिनके आपने नाम लिया उनसे ज्यादा शायद हमने उनको सुना है। स्टार्ट में मैं रिलेट करते हैं उनसे, स्टार्ट में मैं जब शुरू किया था तो मैंने दो चीजें उनकी मुझे बहुत पसंद थी, यादा बिछड़े सजन नहीं आई, एक और था लजपाल नबी मेरे दर्दा दी, तो इससे मेरा स्टार्ट हुआ था। तो फिर करते 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 मतलब मैं उनको रूहानी उस्ताद मानता हूँ, मतलब रूह ने मान लिया उनको। तो नुसरत साहब का कुछ सुनाइए, उनका गाना। हाँ मैं सुनाता हूँ, ये मैंने मेरी अभी एल्बम आई है ढोलना करके, उसमें मैंने उनको ट्रिब्यूट दिया है। सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल कमला डूब डूब जावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। एक और जो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे भाग मिल्खा भाग है, उसमें भी स्टोरी में थोड़ा सा बेस में यही था जो डिवीजन हुआ भारत पाकिस्तान का, थोड़ा सा एक अलग जॉनर का उसको कहा गया, लेकिन बावजूद उसके यू संगे चाहें प्लस थोड़ा गुनगुना दीजिए। ये गाना इस तरह बना था कि मैं औरंगरेज जो मैंने गाना, हाँ वो भी इसी फिल्म का, मैं औरंगरेज रिकॉर्ड करने के लिए कलकत्ता से मैं पहुंचा था मुंबई, और शाम को मेरा दिल्ली शो था, दोपहर को रिकॉर्डिंग करनी थी। तो इसी तरह शंकर एहसान लॉय जी के साथ मैं बैठा था, औरंगरेज रिकॉर्ड कर लिया था, तो शंकर, है इसके पीछे, हाँ शंकर भाई ने एक स्थाई गुनगुनाई, ला 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 ला। तो वो कहने लगे यार इस पे कुछ हम गाना बनाए। मैंने कहा जी बनाना चाहिए। कहते क्या आपकी क्या सोच है? उस वक्त शायरी नहीं लिखी थी। इश्क करूं या करूं इबादत इक्को ही गल है अल्फ अल्लाह अल्फ, ये फिर मैंने उसी वक्त वहां रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अलावा इसके एक चीज और भी यहां पर जानना चाहेंगे, जैसे अभी भी यहां पर साक देशों का एक फूड फेस्टिवल चल रहा है, पांच देश हैं उसमें, लेकिन अब इसको किन शब्दों में कहें कि पाकिस्तान की उसमें भूमिका नहीं है, उम्मीद करते हैं अगले साल पाकिस्तान को भी हम देखें, ये जो अभी थोड़ा बहुत रिफ्ट चल रहा है, ये इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कलाकार बिल्कुल अलग तरह से सोचता है, राजनीति अलग तरीके से चलती है, और दोनों मुल्कों में जो चल रहा है लगातार, उसको लेकर क्या सोच है आपकी? देखिए जी मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो मतलब, लेकिन फिर भी जो दिल से आता है, जो लगता है, यही बात है कि ये जो मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों देश अलग हो रहे हैं, यही है ना, और तो इसका मतलब बनता ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा रोल अदा करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि एक्चुअल में अलग भी हो रहे हैं? क्योंकि कहा तो ही जाता है कि दो भाई अलग हो भी जाएं, तो लेकिन दिल से तो वो कभी अलग नहीं होते। जाहिर है, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, ये भी तो सोचे ना।
कि हम मैं 2 मिनट आधे घंटे में इंडिया पहुंच जाता हूं। देखिए मैं आप इसको अदरवाइज बिल्कुल नहीं लेंगे मुझे लगता है, आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ से कोशिश हुई जब प्रधानमंत्री ओथ ले रहे थे उस वक्त निमंत्रण दिया गया, सब आए, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो कि डिरेल हो जाती हैं और उसका एक खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि अगर इस तरह चीज़ें ना डिरेल हुई होती तो हमारी और भी मीटिंग्स होती और हमारा क्रिकेट होता, सिर्फ इकलौता संगीत ही नहीं, कला में है, खेल है, खाना है, बहुत सारी चीज़ें हमको जोड़ सकती हैं, तो कहीं ना कहीं सारी बैकफुट पर चली जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कलाकार कुछ ऐसा इनिशिएटिव भी कर सकते हैं कि एक बार फिर से वो ब्रिज बन जाएं, कि फिर से संबंध बेहतर? मैं समझता हूँ यही है कि आवाम है जो संगीतकार हैं जिनको पब्लिक सुनती है या वहाँ की जो पब्लिक है संगीतकारों, यहाँ के संगीतकारों को सुनती है, ये ऐसी आवाज़ उठाएं कि हम सारे लोग मिलकर एक इस मुल्क को, मतलब इसमें मोहब्बत ले आए, लड़ाई करके, मेरा मतलब कहने का यह है यहाँ से लड़ाई ख़त्म हो जाए इस खित्ते से। और जो हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे वो ये कि आजकल तो जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत चीज़ें जैसे ही आप करो एक क्लिक में वो इतनी दूर तक जाती हैं कि उसका आपको कोई इल्म भी नहीं होता, तो ये कितना बड़ा आपको लगता है कि एक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि चाहे कुछ हो पाकिस्तान में भी रहा है, कुछ गाया ही जा रहा हो, चाहे अगर यहाँ पर किसी चीज़ को बैन भी कर दिया जाए या यहाँ की किसी चीज़ को पाकिस्तान में बैन भी कर दिया जाए, बावजूद उसके वो बैन होती नहीं है, वो लोगों तक वैसे ही और सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके सुन सकते हैं, पहुँचती है वो उसी तरीके से, तो वो एक एक ब्रिज हो सकता है। आपको लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है और इससे एक जुड़ाव होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। कि आपको लगता है कि एक हाइपोथेटिकल है वैसे कि कोई दिन ऐसा हो कि जब सब एक हो जाए? नहीं होगा तो इंशाल्लाह ऐसे ही, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूँ एक दिन वो आएगा जब अल्लाह ही रहेगा और कोई नहीं बचेगा। संगीत के अलावा और क्या पसंद है भारत में? संगीत के अलावा खाने यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, जो दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे हैं, वहाँ मुझे बहुत प्यार देते हैं जी। और राजनीति को लेकर आपको लगता है कि कोई ऐसी पहल दोनों मुल्कों की तरफ से होता लगती है आपको हाल फिलहाल में कि कुछ इनिशिएट ऐसा हो, क्योंकि अब तो कई जगह तो ऐसा भी हो जाता है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर हैं लेकिन बावजूद उसके सिर्फ हाथ हिलते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि गले मिलने की शुरुआत हुई थी। मैं जो देख रहा हूँ, देखो जो मैं देखता हूँ मैं उसी पर बात कर सकता हूँ ना, हम जब भी देखते हैं टेलीविजन खोलते हैं कि मतलब कोई, मुझे नहीं समझ कोई, ये मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पाया कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, तो उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ आप बताएं, मतलब कलाकार के लिए मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। चलिए हम फिर से संगीत पर ही लौटते हैं, क्योंकि कलाकार के लिए राजनीति और राजनीतिक बातें करना थोड़ा मुश्किल होता है, समझते हैं हम उसको। हिंदुस्तान में आपको सबसे पसंदीदा आपका वो कलाकार जिसको आपने ज़्यादा सुना, वो चाहे पुराने ज़माने में हो या अब हो, क्योंकि जैसा आपने कहा कि फीमेल सिंगर्स को वहाँ पर बहुत सुना जाता है, तो लता जी का या आशा जी का कुछ आप गुनगुनाना चाहें? लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, लग जा गले गले हसी रात हो ना हो, लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हे। मुझे मैं कभी गुनगुनाता नहीं, मतलब आज आपने नहीं, वो हमेशा कहा भी जाता है कि फीमेल जो वॉइसेस होती हैं उनको मेल सिंगर नहीं, नहीं, मैं गाता हूं। थोड़ा कम गुनगुनाते, अगर मेल है तो वो मेल सिंगर्स को असल में हैं। मैं कंपोजिशंस इतनी कर रहा होता हूँ अपने गाने, लोगों के गाने, मतलब जो वो तो मौका ही नहीं मिलता। यहाँ से आइडिएशन भी लेते हैं कुछ जो हिंदुस्तानी कलाकारों ने अब तक गाया, उसे कुछ उसको सुन सुन के कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा है और इसको यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जो क्रिएटिव होता है ना उसको ये ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ से उठाने की, नहीं उठाने की नहीं, वो
कॉपी करने जैसा या चुराने जैसा नहीं, नहीं लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, इंस्पायर करे। नहीं, इंस्पायर तो करती करती चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, अच्छी कंपोजिशन है, वो तो मैंने कहा जिसकी जिसको इतने भी सुर की समझ है वो इंस्पायर होता है, और चाहे वो मुंह से ना बोले लेकिन उसका दिल जरूर मानता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट कॉपी करना आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत ही बुरी बात है। बट ये मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके अंदर जो मतलब क्रिएटिविटी है उसको आप उसको यूज़ करें, उस मेहनत करें, रियाज इतना करें कि एक नई चीज़ अल्लाह आपको अता करें। जितना नाम या जितना काम यहाँ बॉलीवुड फिल्मों में है उतना ही क्या पाकिस्तान में भी है? पाकिस्तानी जो सिनेमा है काफ़ी सालों से मतलब 7-8 साल से वहाँ जो का जो माहौल है वो इतना बेहतर नहीं है म्यूज़िक के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब जाके 2-3 साल से फिल्में अच्छी आ रही हैं, जिस तरह मंटो अभी रिलीज़ हुई है उसमें मेरा एक गाना है, मूर फिल्म जिसको जिसको मदर बोलते हैं पश्तो ज़ुबान में, तो वो रिलीज़ हुई है, और काफ़ी सारी फिल्में रिलीज़ अब जाके 4-5 साल से 2-3 साल से माहौल अच्छा मतलब वो एक चीज़ आनी शुरू हो गई है। तो पहले तो बहुत ही सारी प्रॉब्लम थी। पंजाबी सिनेमा के लिए भी गाया है आपने यहाँ पर? सोना देश पंजाब है जिंद साड़ी हो महका इस दी मिट्टी विच वसदियां ने इस तरत ने गुरा दे पैर चुमे साडे साहीं गुरबाणिया वसदियां ने। आपकी अपनी जो एल्बम्स हैं उनमें से आपको जो पसंद है? ला रे रे ना रे रे आज आखां वारस शानू कि तो कबरां विचों बोल आज आखां वारस शानू कि तो कबरां विचों बोल के अज किताब इश्क दीदा कोई अगला वरका फोला जाखां वारस शानू कि तो कबरां विचों बोल उठ दर्द मदा दया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब उठ दर्द मदा दया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब अज बेले लाशां विचियां ते लौदी परी चना बज आखां वारस शानू कि तो कबरां विचों बोल। आपने आपके पिताजी से भी संगीत सीखा और शुरुआत शायद वहीं से हो गई थी क्योंकि वो भी संगीत के बहुत जानकार कहे जाते हैं, तो वहीं से जो शुरुआत हुई उसी का एक हम आज असर देख रहे हैं जावेद बशीर के तौर पर। थैंक यू सो मच। जी जी जी, मैं यही तो मैं बताना चाहता हूँ मुझे मेरे वालिद साहब ने और मेरे ताया जी ने मुझे बहुत उनकी मेरे पे बहुत सारे एहसान हैं, बहुत सारी मेहरबानियाँ हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने वालिद और अपनी वालदा और अपने ताया जी और मेरी जो सारी फैमिली है उसकी बदौलत हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। अलावा इसके जब हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदुस्तान में जो चीज़ आपको सबसे पसंद आती है, जो सबसे अच्छी लगती है, वो काम जिस तरीके से होता है वो, या जो लोग हैं उनसे जो मोहब्बत आप पाते हैं
वो ज्यादा पसंद आता है आपको? दोनों चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि आके जो दोस्त हैं, जो मतलब मित्र हैं, यहाँ मित्र बोलते हैं, तो वो सारे इतना प्यार कर रहे होते हैं कि फिर जाके पाकिस्तान कई कई दिन दिल ही नहीं लगता। तो म्यूज़िक को भी इस तरह वो सुनते हैं और सुनाते भी हैं, सिर्फ सुनते ही नहीं, तो दिल मतलब उदास रहता है वहाँ जाके, कई कई दिन नींद नहीं आती। यहाँ यहाँ के कौन वो कलाकार हैं जो वहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं और लोग बिल्कुल जुनूनी होकर उनका संगीत सुनते हैं? वैसे तो आपको पता ही है कि जो फोक म्यूज़िक होता है या मतलब पार्टी का म्यूज़िक होता है, वो लोग ज़्यादातर सुनते हैं। तो आज तक आज आज के दौर में ज़्यादा मतलब जो म्यूज़िक सुना जा रहा है वहाँ, वो मतलब मीका सिंह मेरे बहुत अच्छे डियर ब्रदर हैं, मेरे भाई हैं, और उन्होंने मुझे इंडिया में सपोर्ट भी बहुत किया। गजल थोड़ा गुनगुना पाएंगे कोई? क्योंकि गुलाम अली साहब आए, जी जगजीत जी 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 को ट्रिब्यूट करना था उनको, जी जी लेकिन जी वो कार्यक्रम खैर हो नहीं पाया। खैर वो हाँ आगे आएंगे और उनके और भी कंसर्ट्स होंगे, लेकिन अगर एक गजल के साथ जगजीत जी को ट्रिब्यूट आप देना चाहेंगे? ट्रिब्यूट दे रहा हूँ जगजीत जी को। जी क्यों मुझे इतना भी नहीं आता, क्यों मुझे इतना भी नहीं आता, मैं तुझे भूल क्यों नहीं जाता, क्यों मुझे इतना भी नहीं आता। ये मुझे बहुत शेर पसंद जी, है। बहुत ही पसंद, हमें भी बहुत ही पसंद आया। क्योंकि मैं तेरा इतना मैं तेरा इतना इम्तहान ना लूं, मैं तेरा इतना इम्तहान ना लूं, गर तू बंदा हो और मैं दाता, क्यों मुझे इतना, सरल है ये कि क्यों मुझे इतना भी नहीं आता, मैं तुझे भूल क्यों भूल नहीं। क्यों हाँ नहीं जाता। लेकिन भूलना ही शायद मुश्किल होता है हाँ सबसे, जाहिर जब है। अपने हैं तो वो भूले नहीं जाते, और इसीलिए शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो भी भूला नहीं जाता, दोनों की जो मोहब्बत थी वो भी भूली नहीं जाती। और उम्मीद ये करते हैं कि इसी तरह कलाकार एक ब्रिज का काम करते रहेंगे, दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनको संगीत के जरिए ऐसे ही जोड़ते रहेंगे। बशीर साहब, आपने वक्त निकाला हमसे थैंक बातचीत की, यू बहुत सो बहुत मच, धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। साढ़े साही गुरबाणिया वसदिया ने।